साथियों नमस्कार, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। आए दिन आप अखबारों में खबरों के जरिए यह सुनते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ जमीन खरीद फरोख्त के मामले में धोखाधड़ी हो गई। जो जमीन का असल मालिक ही नहीं था, उसकी जगह दूसरे व्यक्ति ने आकर छद्म रूप से अपने आप को प्रस्तुत करते हुए जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। बात खुली 2-4-5 साल बाद। जब व्यक्ति उस जगह पर गया तो कोई दूसरा व्यक्ति मकान बनाकर रह रहा है या मकान बना रहा है। ऐसे ही फ्रॉड आज की तारीख में हर शहर में होने लगे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का सपना है कि शहर में उसका अपना घर हो, अपना फार्म हाउस हो या फिर कम से कम एक प्लॉट तो वह व्यक्ति खरीद ले, और इसी चीज का फायदा उठाते हैं भू माफिया। कई लंबे समय से आप ये देख रहे हैं कि एक चीज सामान्य हो चुकी है कि फेसबुक पर, टेलीग्राम पर, विविध अखबारों के जरिए विज्ञापन प्रकाशित करवाया जाता है, जहां पर एक प्लानिंग को दिखाया जाता है और उस शहर के, जैसे उदयपुर शहर की बात करूं तो लेक व्यू दिखाते हुए, सिटी पैलेस और लेक पैलेस दिखाते हुए उस जमीन को दिखाया जाता है जैसे कि वह उसके पास में ही है, और फिर उस जमीन पर बने हुए रोड दिखाए जाते हैं, प्लानिंगें काटी हुई दिखाई जाती है और उसमें प्लॉट खरीदने के लिए आकर्षक ऑफर दिखाए जाते हैं। कहा जाता है कि मात्र आपको 50,000 जमा कराना है, 25,000 जमा कराना है, 1,00,000 जमा कराना है और बाकी की जो किस्तें हैं वह किस्तें आपको टुकड़ों टुकड़ों में प्रति महीना 5 साल या 10 साल जमा करानी होती है। और व्यक्ति एक सपना देखते हुए, उन पर विश्वास करते हुए वह एग्रीमेंट करता है या छोटा मोटा अमाउंट दे के वह यह तय करता है कि यह प्लॉट कल मेरा होगा, जबकि वह जमीनें जो होती है लगभग भू माफियाओं द्वारा जिनसे भी खरीदी जाती है उन्हें कुछ अमाउंट टोकन अमाउंट के रूप में दिया जाता है, जिनके साथ एक सेल एग्रीमेंट बनाया जाता है, उनसे पावर ऑफ अटॉर्नी ली जाती है और उस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर ये सारे खेल किए जाते हैं। और होता क्या है, होता यह है कि यहां पर लोगों के साथ धोखा होता है, क्योंकि उनका प्रारंभिक जो टोकन अमाउंट है वह 25,000-50,000 या 1,00,000 रुपया होता है। उसके बाद वह टुकड़ों टुकड़ों के अंदर राशि जमा कराते हैं और समय जब बुरा आता है तो अच्छी अच्छी पार्टियां उठ जाती है, और उठ जाती है तो ऐसी अवस्था में वह सारी की सारी प्लानिंग धरी रह जाती है। जो सपने दिखाए थे, जो सब्जे बाग दिखाए थे, जो हेरिटेज उस जगह की वैल्यू बताई जाती थी वह वैल्यू जीरो होती नजर आती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने टोकन अमाउंट दिया वह उसने उस व्यक्ति या उस कंपनी को दिया। हर महीने की जो किस्त जमा करा रहा था वह उस व्यक्ति को जमा करा रहा था, यानी कि उसके पास तो केवल एक एग्रीमेंट रहेगा और राशि जमा कराने की रसीदें रहेगी। और जब वह बड़ी कंपनी या वह भू माफिया जब कानूनी पचड़ों में उलझते हैं तो जमीनों पर, उन प्लानिंगों पर या तो कोर्ट का स्टे आ जाता है या फिर उन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है और वह लोग जेल के अंदर चले जाते हैं। तब वह व्यक्ति जिन्होंने की छोटी छोटी किस्तें जमा करवाई और उनका एक बड़ा अमाउंट फंस चुका होता है और वह उस जमीन के मालिक भी नहीं होते हैं, क्योंकि उनके नाम पर तो रजिस्ट्री तक नहीं हुई। ऐसे फ्रॉड, ऐसे धोखे आज की तारीख में कई लोगों के साथ किए जा रहे हैं, और यहां तक कि हाथों हाथ रजिस्ट्री कराने वाले लोग भी आज की तारीख में छद्म रूप से दूसरे लोगों को लाकर प्रेजेंट करते हैं उनकी जमीन दिखाकर, यानी कि किसी नवला नाम के व्यक्ति की जमीन है तो दूसरे व्यक्ति को नवला दिखाते हुए, प्रदर्शित करते हुए, उसके डॉक्यूमेंट शो ऑफ करते हुए रजिस्ट्रिया करवा देते हैं, और जब राज खुलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है और इंसान के पास बचता क्या है, कानूनी विकल्प में इंसान क्या करेगा, वह FIR दर्ज करा लेगा और कानून के गलियों से वाकिफ होने वाले वह व्यक्ति इस मामले को सिविल विवाद करते हुए जमाने तक लटकाए रखते हैं। कहने का मतलब, अगर कोई व्यक्ति
और आज की तारीख में उदयपुर शहर में हर कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसी प्लानिंग वालों की ढेर लगे हुए हैं, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या भागीदारी फर्म का बोर्ड लगाते हुए अपने आप को बहुत बड़ा प्रॉपर्टी ब्रोकर बताते हुए, बहुत ही बड़ी कंपनी बताते हुए लोगों से इस तरह की राशियां हड़प लेते हैं और जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हाल ही में हमारा एक मिलने वाला व्यक्ति, हमारा एक फॉलोअर हमारे पास आया और उसने बताया कि सर मैं ये उमरडा के अंदर ये प्लॉट खरीद रहा हूं, आप इस प्लॉट के डॉक्यूमेंट देखो। मैंने प्लॉट के डॉक्यूमेंट जब बारीकी से देखा तो मैंने उसको सलाह दी कि बताइए भाई आपको क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 1,00,000 रुपए जमा करा दो, बाकी हर महीने 5,000 रुपए जमा कराने, प्लॉट आपका हो जाएगा। पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद जब मुझे लगा कि यह उचित नहीं है और मैंने पार्टी से ये कहा कि क्या आपने कोई राशि तो जमा नहीं कराई, उसने कहा मैंने 2100 रुपए टोकन जमा कराए। मैं कहा चलिए आप ये मान के चलिए कि आपका 2100 रुपए डूब चुका है और आप इस बात को भूल जाओ, यह डील करना आपके लिए सही नहीं है। जब वह व्यक्ति पूरी बातों को सुना, संतुष्ट हुआ और जब वह गया तो सामने वाले व्यक्ति का फोन आया कि आपका जो बाकी का अमाउंट है, यानी कि 1,00,000 रुपए जमा कराने थे, आपने 2100 रुपए जमा कराए, बाकी का अमाउंट जमा कराओ। जब व्यक्ति ने कहा कि मुझे इस डील में नहीं पड़ना है, मुझे ये डील नहीं करनी है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि तो फिर आपने हमारे से एग्रीमेंट क्यों किया। तो उसने कहा मैंने तो कोई एग्रीमेंट नहीं किया। नहीं, आपने 2100 की रसीद क्यों कटाई, आपने हमारे साथ धोखा किया, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। यानी कि अभी ही मात्र 2100 रुपए लेकर जब उनके बीच में एग्रीमेंट ही एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इस अवस्था में वह लोग आज की तारीख में कानूनी धमकियां देते हैं, तो सोचिए कि बाद में वो क्या करेंगे। मैं उदयपुर के ऐसे तमाम भूमाफियाओं को, जो गरीबों को घर का प्लॉट का सपना दिखाकर उनके सपनों को तार तार करने की बात करते हैं, मैं उन्हें ये बता दूं कि यदि आप यह स्कीम चलाते हैं तो यह स्कीम प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध है और इसके साथ ही द बैनिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट के अंतर्गत भी आप इस प्रकार की राशि नहीं ले सकते। यही स्कीमें आज की तारीख में उदयपुर के कई ज्वेलर्स द्वारा भी की जा रही है, जहां टुकड़ों टुकड़ों में लोगों से राशि लेकर बाद में गोल्ड देने की बात की जाती है। लेकिन भले ही आप अपने सीए से बात कर ले, अपने कानूनी सलाहकारों से बात कर ले, लेकिन भारत के कानून में कोई स्पष्ट प्रोविजन नहीं है कि इस तरीके से लोगों से आप टुकड़ों टुकड़ों पर राशियां लेकर लोगों को इस तरीके से गुमराह करें। उदयपुर में ऐसे कई भूमाफिया सक्रिय है जो ऐसा काम कर रहे हैं। मैं उदयपुर की जनता को नहीं, हमारे प्रत्येक व्यूअर को, चाहे वह हिंदुस्तान के किसी भी कोने से देख रहे हैं, मैं उन्हें आगाह करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार के ऐसे लालच में न फंसे जहां छोटा मोटा अमाउंट देके बाद में किस्तों में अमाउंट देके आप 5 साल 7 साल 10 साल बाद वह व्यक्ति आपके नाम पर रजिस्ट्री करवाएगा और आप उस जमीन के मालिक बन जाएंगे। हो सकता है वह रियल एस्टेट कंपनियां बहुत बड़ी हो, हाल ही में 3 बड़ी रियल एस्टेट कंपनी पर आयकर के छापे पड़े और उनके दस्तावेज सीज किए गए, उनकी चल अचल संपत्तियां सीज की गई और साथ ही उनके डॉक्यूमेंट जब्त किए गए। अब सोचिए उनके अंदर जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, भले ही वो कंपनियां जेन्यून हो, लेकिन आज उन लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी हुई या नहीं हुई। मैं तमाम हमारे व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी की डील करते हैं, वह डील आपकी लाखों रुपए की होती है, तो ऐसी अवस्था में आपको जब भी डील कर रहे हैं, आपको टोकन अमाउंट देने से पहले कंप्लीट चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट आपको पार्टी से लेने चाहिए और वो सारे डॉक्यूमेंट आपको एक अच्छे एडवोकेट से रिव्यू कराने चाहिए, उनको दिखाने चाहिए और उनकी राय लेनी चाहिए। जरूरत पड़े 1 नहीं 2 नहीं 4 4 अलग एडवोकेट से राय लीजिए। यदि सबका मत एक होता है या बहुमत का मत आपको मिलता है तो आप उस प्रॉपर्टी का डील करें। और दूसरी बात, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे उस पर
राष्ट्रीयकृत या किसी एनडीएफसी कंपनी से उस अमाउंट का 10% भी क्यों न सही आप लोन जरूर कराएं। यदि आपकी प्रॉपर्टी पे लोन हुआ इट मींस टाइटल क्लियर है, क्योंकि कोई भी एनडीएफसी कंपनी या कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक ऐसी प्रॉपर्टी पे लोन कभी नहीं करेगी जहां उन्हें सस्पेक्ट नजर आता है, क्योंकि लोन का अपना एक प्रोसेस है और पूरी तरीके से जब लोन का प्रोसेस गुजरता है तो उसमें वैल्यूएशन होती है, सर्च रिपोर्ट बनती है, एडवोकेट की लीगल रिपोर्ट बनती है, तब जाकर एक बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देता है। तो मैं उदयपुर के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि कभी भी ऐसे मामले में न फंसे जहां प्राइस चीट एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट या द बैंडिंग अनरेगुलेटेड डिपॉजिट एक्ट जैसे मामले होते हैं। कंपनियां आज है कल नहीं है, आपका जमा धन आपके सपने तार तार हो सकते हैं। इसी प्रकार के जनहित के मुद्दे हमारे द्वारा किसी YouTube चैनल और Facebook पेज पे पोस्ट किए जाते हैं और जनहित का मुद्दा समझते हैं तो शेयर जरूर करें, हर Facebook पेज पर, ग्रुप पर, हर WhatsApp के अंदर आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि कोई व्यक्ति अपने जीवन की जमा पूंजी को इस प्रकार के फ्रॉड के अंदर बिल्कुल भी न खोए। बने रहे हमारे YouTube चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमें तो Facebook पर हमें फॉलो करें, YouTube पर देख रहे हैं हमें सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।